हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती से बड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। 69,000 भर्ती को लेकर जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं देश के सभी राज्यों में इस भर्ती को लेकर के चर्चा है। और इस लॉकडाउन के बीच 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन इस भर्ती को लेकर के जो गड़बड़ियाँ सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही दुखदायी हैं। जैसे कहीं घेराबंदी शुरू की गई है, मोस्ट वांटेड बना है स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव। पूरी खबर क्या है हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर आप तक राहुल वाई फाई स्टी चैनल के माध्यम से पहुँचाया जा सके। चलिए देख लेते हैं क्या खबर इसके संबंध में। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़ा केस में पुलिस की कार्रवाई, मोस्ट वांटेड बना स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव को 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोप में मोस्ट वांटेड किया गया है। इस केस के नामजद आरोपी मायावती दुबे के साथ चंद्रमा यादव की तलाश में भी एसटीएफ जुटी है। आरोप है कि मायावती दुबे ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूले थे तो चंद्रमा यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल संग पेपर आउट कराने से नकल कराने तक शामिल रहा है। उसकी संलिप्तता साबित होने के बाद पुलिस ने भी उसे मोस्ट वांटेड कर दिया है। इस केस में वंचित सभी आरोपियों की तलाश में एसटीएफ की टीम सक्रिय हो गई है। टीपी नगर धूमनगंज का चंद्रमा यादव वर्षों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा बताया जा रहा है। धूमनगंज में पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलाता है तथा रेलवे भर्ती से लेकर के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर इस स्कूल में रहा है। उस पर आरोप था कि वह अपने स्कूल से पेपर आउट कर अभ्यर्थियों को पास करने का ठेका लेता रहा है। इसका खुलासा एसटीएफ ने टीटी 2019 का पेपर आउट करने की साजिश रचने वाले गैंग का खुलासा करने के साथ किया था। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 7 लोग पकड़े गए हैं। उस वक्त एसटीएफ ने दावा किया था कि चंद्रमा यादव अपने स्कूल से पेपर आउट कराकर सालवर गैंग को भेजता था और वहां से उत्तर ब्लूटूथ डिवाइस से बताए जाते थे। कुछ दिन पहले ही चंद्रमा जमानत पर रिहा हुआ है, इसके बाद से फरार है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग में आरोपी डॉक्टर के एल पटेल, स्कूल प्रबंधक ललित त्रिपाठी, लेखपाल संतोष आज पकड़े गए तो पता चला कि इसी गैंग के साथ मिलकर चंद्रमा यादव ने भी फर्जीवाड़ा किया है। तो आप देख सकते हैं संदिग्ध टापरों का पता लगाने को छात्रों ने एक अभियान छेड़ा है। आप देख सकते हैं प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज करके पता लगा रहे हैं कि टापर अभ्यर्थी कौन है और उनका शैक्षिक स्तर कैसा रहा है। इसके लिए डिटेल पुलिस तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। प्रतियोगी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि जो भी 120 अंक से ज़्यादा नंबर पाए हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र की जाए, इसके बाद इसे प्रयागराज के एसएसपी के सीयूजी नंबर पर भेजा जाए। देख सकते हैं आपको पता होगा सोराव पुलिस ने फर्जीवाड़ा खुलासा कर 142 अंक पाने वाले धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब प्रतियोगी छात्र भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में लग गए हैं कि आखिरकार पता किया जाए कि टॉपर कौन है, कितना नंबर पाया है। उनके द्वारा एक मुहिम छोड़ी गई है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर। एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए थी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में मित्रों, राहुल वाई फाई स्टी चैनल के माध्यम से खबर आप तक पहुँचाई गई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।